अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुम्बुल किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। चलते बनाने की तरफ। दो कप में दही ले ली है, एक से डेढ़ कप है। इसमें मैं दूध शामिल किया हाफ कप। फ्रूट में मेरे पास एक कप सेब, एक कप केला, एक कप अनार है। आप अपनी मर्ज़ी की फ्रूट ले सकती हैं। चीनी है और चाट मसाला है। दही के अंदर हम चीनी शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही खूब ठंडा हो। और मैंने फ्रूट्स भी काट के कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। ये बहुत ही हेल्दी है। दही बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत कैल्शियम है, स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है। क्योंकि हम क्रीम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाती है। अलग से बाउल में सारे फ्रूट मिक्स कर लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाह रही हैं तो इसमें किशमिश और खजूर भी बहुत अच्छी लगती है, आप वो भी शामिल कर सकती हैं। इससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप शुगर यूज़ करना नहीं चाह रही तो वेट लॉस के लिहाज से भी बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली दही के साथ। अब हम ये दही शामिल करेंगे। हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। ऊपर से भी आप चाट मसाला इसके ऊपर छिड़कना चाहें तो छिड़क सकती हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की हमारी फ्रूट चाट रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। योगर्ट के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।